नगर पालिका ने बगीचा नंबर 5 में एक निर्माणाधीन मकान को तोड़ने की कार्रवाई की। बताया गया है कि इस मकान को बनाने के लिए मकान मालिक ने नगर पालिका से अनुमति नहीं ली थी, जिसको लेकर यह कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई के चलते मकान मालिक और आसपास के लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया और जमकर आक्रोश व्यक्त किया। जब विरोध बढ़ा तो नगर पालिका के अधिकारी और पुलिस कर्मी आधा अधूरा मकान तोड़कर लौट गए। नगर पालिका का अमला और पुलिस द्वारा मंगलवार को बगीचा नंबर 5 में निर्माणाधीन मकान को तोड़ने की कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार जिस मकान को प्रशासन द्वारा तोड़ा गया उस मकान मालिक द्वारा नगर पालिका से निर्माण की अनुमति नहीं ली गई थी, जिसको लेकर बगीचा नंबर 5 में रफीक खान उर्फ बाबू भाई के निर्माणाधीन मकान को तोड़ दिया गया। मकान काफी हद तक बन चुका था। कार्रवाई में तहसीलदार अजय हिंगे भी मौजूद रहे। इस दौरान मौके पर मकान मालिक व आसपास के रहवासियों ने कार्यवाही का विरोध किया। मामले में पीड़ित के वकील इमरान खान ने बताया कि नीमच शहर में कई जगह बिना परमिशन के मकान निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन नगर पालिका ने हठधर्मिता के चलते उपरोक्त निर्माण को तोड़ा है। नगर पालिका के पास उपरोक्त मकान को तोड़ने का कोई आदेश नहीं था और ऐसी स्थिति में नगर पालिका को मकान तोड़ने का भी अधिकार नहीं था। मकान तोड़ने के दौरान जब विरोध बढ़ा तो प्रशासन का अमला वहां से निर्माणाधीन मकान को आधा अधूरा तोड़कर लौट गया। विवाद की स्थिति नहीं है, बिगड़ सूचना दिए शासन प्रशासन ने। एक निजी जमीन पे जो निर्माण हो रहा था उसने शायद नगर पालिका से परमिशन नहीं ली होगी, तो उस चक्कर में निर्माण बिगड़ सूचना दी और बिगड़ आदेश बताए तोड़ के चले गए। CMO की हठधर्मिता है और ऐसी किसी निजी जमीन पे ऐसे मकान का निर्माण तोड़ा नहीं जाता है। ज़्यादा यदि किसी निजी जमीन के मालिक द्वारा यदि बिगर परमिशन के नगर पालिका के किसी मकान का निर्माण किया जाता है तो उसके खिलाफ परिवाद दर्ज पेश किया जा सकता है या FIR दर्ज की जा सकती है, किंतु ना कि उसका मकान तोड़ा जाता है। प्रशासन ने एक हठधर्मिता और एक दमनकारी नीति से एक गरीब का जो मकान बन रहा था उसको तोड़ा है और उससे उस मकान से उसके पर्सनल जमीन पर वो मकान का निर्माण कर रहा था इसलिए उसको तोड़ा है। बाकी उनके पास ऐसा कोई आदेश नहीं है, ना ही उन्होंने किसी को उस बाबू भाई को भी आदेश नहीं बताया कि यार आपका आदेश है, आपके मकान तोड़ने का हम आदेश लेके आए। बाबू भाई का मकान है और हम बगीचा नंबर 4 से मैं फरीम कुरैशी बोल रही हूँ और ये हक की लड़ाई सर। आज इनके गरीबों के साथ ऐसा करा, कल को पुलिस आके खड़ी हुई किसी और का मकान तोड़ेगी तो कैसे तोड़ने देंगे। पुलिस प्रशासन मदद के लिए होती है, ना कि किसी गरीब को दबाने के लिए होती है। उन्होंने जब कागज नहीं देखे तो कैसे तोड़ा ताड़ी करी, ये बताओ। महिला ऐसी रो रही, अगर इसको कुछ हो गया तो उनसे पुलिस वाले, अगर इनके पास कागज है सर और अगर इन्होंने नाजायज तोड़ा है तो पुलिस वालों को उसका पूरा हर्जाना देना पड़ेगा। और अगर उनके पास कागज और मकान मालिक को मारा, उसको सर फोड़ दिया और सारे हम बगीचा नंबर 4 के उनके साथ खड़े हुए, उनको ये नहीं समझे।